समाज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पिंकी नामदेव। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल सहित प्रदेश भर में आंदोलन का पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन दिया। मंदसौर में भाजपा नेता की हत्या से आक्रोशित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, इसे अगर ठीक नहीं किया तो भाजपा आंदोलन करेगी। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा के पाप हैं। अभी प्रदेश में सरकार बनी एक महीना हुआ है, जल्द ही प्रदेश में कानून का राज होगा। कहने के लिए आए हैं कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब उन्होंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। राजनीति कौन कर रहा है? आप कार्रवाई करिए, गिरफ्तारी करिए, उच्च स्तरीय जाँच कराइए। किसी जिले का सबसे लोकप्रिय नेता दिन दहाड़े उसकी हत्या हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पे हाथ रखकर बैठेगी? हम उसकी जांच की मांग नहीं करेंगे, और अगर उसकी जांच की मांग हम करते हैं तो राजनीति है। तो मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि सरकार जो चाहे चलने दें और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर बैठी रहे? भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर बैठने को तैयार नहीं है। किस शिकायत को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन के साथ ही जिस तरह से अराजकता का वातावरण बन रहा है, कानून व्यवस्था ठप होती जा रही है, उसी का परिणाम है। पहले हिना कांवरे जी के काफले की दुर्घटना होती है और सरकार उसमें नक्सली कनेक्शन मानती है। इंदौर में दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और पुलिस उसमें अंधेरे में ही हाथ पैर चला रही है, और उसके बाद हमारे एक पार्टी के प्रमुख नेता, मंदसौर के सबसे लोकप्रिय पार्टी के नेता, नगरपालिका के लगातार दो बार से अध्यक्ष, उनकी नृशंस हत्या हो जाती है भरे बाजार। और उसके बाद दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, हत्यारा किसी दल का नहीं होता। आरोप दोषी व्यक्ति केवल दोषी होता है और उसके खिलाफ दोषी मानकर ही कार्रवाई करना चाहिए। यदि पहले से ही सरकार का मानस ये बन जाए कि ये किसी दल का अंदरूनी मामला है तो स्वाभाविक रूप से वो जांच को और दोषी को सजा दिलाने में सफल नहीं हो पाएगा। बीजेपी को प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का। जो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को धाराशाही किया, ये उसी के परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता कल मंदसौर जा रहे थे, राजनीतिक चश्मे से एक घटना को देख रहे थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसकी हम भी निंदा करते हैं। आधे रास्ते से क्यों लौट आए उनसे पूछ लीजिएगा। उन्हीं के नेता, उन्हीं से संबंधित दल के लोग उसमें मुख्य रूप से आरोपी पाए गए। क्यों नहीं गए मंदसौर? धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, आधे रास्ते से क्यों लौट आए? ये सवाल आप उनसे पूछिए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।